हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेरी वेरी वेल। दिस इज़ सुधा एंड यू आर वॉचिंग इंडिक किचन। ये हमारा यूट्यूब चैनल है। प्लीज़ कीप वॉचिंग गाइस। बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ इसमें हम लोग डालते हैं। आज बहुत मज़ेदार मेथी और आलू बैगन की एक रेसिपी बनाने जा रहे हैं। चलिए मिल के देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो एक बहुत ही फ्रेश बैगन लिया है हमने, बड़े साइज़ का है, और इसे छोटे टुकड़ों में हमने काट लेना है। इस तरह से देखिए, इस तरह से छोटे टुकड़ों में हमने इसे काट लेना है। तो जो बैगन या मेथी नहीं भी पसंद करते हैं ना, उनको ये बहुत अच्छी लगेगी। एक बार बना के ज़रूर देखिएगा, ट्राई कीजिएगा। और इस समय मेथी ज़रूर खाना चाहिए। विंटर में मेथी की पत्ते आते हैं, मेथी का साग आता है, तो इसे ज़रूर अपने डाइट में लीजिए। हम लोग मेडिकल प्रोफेशन से हैं फ्रेंड्स, मुझे पता है मेथी कितना हेल्दी है खाना। और अगर आपके घर में कोई डायबिटिक पेशेंट हैं तो उनको ज़रूर ज़रूर खिलाइए। मोस्ट ऑफ द टाइम दे दीजिए जब तक ये मार्केट में अवेलेबल होती है। अब बैगन हमारे कट गए हैं, हमने उसे धो के काटा था तो इसलिए अब नहीं धो रहे हैं। और देखिए, कढ़ाई में हमने तेल को फैला लिया है, इसके साइड्स को भी अच्छे से हमने ग्रीस कर लिया है, और बैगन अब हम इसमें डाल दे रहे हैं। तो बैगन को लो मीडियम पे फ्राई कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी पक जाती है, तो इसे ज़्यादा टाइम तक मुझे रखना भी नहीं है। और इसको बीच बीच में हम लोग कवर कर देंगे सो दैट ये बहुत जल्दी कुक हो जाए। तो आगे इसके चलिए देखते हैं हम लोगों को क्या करना है। और बैगन को हम लोग बीच बीच में देखते रहेंगे, चलाते रहेंगे इस तरह से, देखिए। और फिर से हम लोग इसको ढक दे रहे हैं। फिर से हटाया है ढक्कन हमने और इसे फिर से एक बार स्टर कर दिया है, अच्छे से सौते कर दिया है। और इस समय हम लोग नमक और हल्दी इसमें मिला देंगे। तो नमक जब हम लोग फाइनल कुकिंग पे जाएंगे तो नमक उस समय बहुत हिसाब से डालेंगे, क्योंकि हम लोग बैगन में भी नमक डालेंगे और अपने आलू में भी डालेंगे। तो इस तरह से इसे पका लेना है अच्छे से, थोड़ा ये अपने गोल्डन कलर में आ जाए उस समय हम लोग इसे हटा लेंगे। बाय द टाइम हमारा बैगन पक रहा है, अब हम लोग आलूओं को भी चॉप कर लेंगे। तो यहाँ पे आप 5 आलू देख पा रहे हैं, लेकिन हमने 3 ही यूज़ किए हैं इसके लिए। तो इसे भी बहुत छोटे टुकड़ों में काट लेना है इस तरह से। ये बहुत ही शानदार रेसिपी बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है ये। बिल्कुल मेथी का जो कड़वापन एक अलग सा होता है, टिपिकल सा, वो आपको इसमें बिल्कुल पता नहीं चलेगा। और आलू और बैगन तो मोस्टली सबों को पसंद आता है, तो ये बहुत अच्छी रेसिपी बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब बैगन हमारा लगभग हो चुका है, इसे हम लोग अब देखिए एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। बैगन को कुक भी हो चुका है और थोड़ा इसका कलर भी बढ़िया आ गया है, तो इसे हम एक प्लेट में ले लेंगे। और अब इसी कढ़ाई में हम लोग फिर से तेल लेंगे थोड़ा सा, और अपने आलूओं को भी इसी तरह से फ्राई कर लेना है। देखिए, इसी कढ़ाई में हमने थोड़ा तेल लिया है, ये 2 चम्मच के लगभग तेल है, और आलूओं को डाल के इसे भी अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो आलू कुक होने में थोड़ा सा समय लगता है, तो इसे भी अच्छे से ढक देंगे और इसे लो फ्लेम पे पका लेंगे। तब तक हम लोग तैयारी आगे की करते हैं। तो देखिए, मेथी इस तरह से हमने काट लिया है, इसके जो मोटे डंठल होते हैं उसे हटा देना है, बाकी जो सॉफ्ट डंठल होते हैं उसे रख लीजिए। और इसे धो के हमने ड्रेन आउट कर लिया था पानी इसका, और इसे एकदम फाइनली चॉप कर लेना है, ये देखिए इस तरह से। तो बहुत ही शानदार रेसिपी बनती है और बहुत जल्द बन जाती है। अगर आपकी सारी तैयारी है तो ये बहुत जल्दी बन जाती है, ये देखिए इस तरह से। मेथी बहुत ही हेल्दी है फ्रेंड्स, बहुत हेल्दी है, इसे ज़रूर अपने डाइट में लीजिए और बहुत एंजॉय कीजिए। वीडियो को पूरी देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को।
और देखिए आलू हमने फिर से इसका कवर हटाया है और आलू थोड़ा सा और पकेगा क्योंकि इसमें थोड़ा कलर भी आना है और थोड़ा पकना भी है। तो इस समय हम लोग इसमें हल्दी और नमक स्वादानुसार डाल देंगे। नमक से थोड़ा ये जल्दी कुक भी हो जाएगा। थोड़ा ही डालना है, बहुत हिसाब से डालना है क्योंकि हम लोग बार बार नमक डाल रहे हैं तो ये ज़्यादा ना हो जाए। देखिए इसे फिर से कवर कर देंगे और इधर मेथी भी हमने चॉप कर लिया है। सारी मेथी के पत्ते हमारे कट गए हैं। वालों को भी हम लोग निकाल दे रहे हैं, उसी प्लेट में जिसमें बैगन निकाला था उसी में ट्रांसफर कर दे रहे हैं। ये देखिए और मेथी कट गई है, ये आलू बैगन रेडी है। अब आगे की तैयारी देखिए हम लोग करते हैं। इसके लिए हरी मिर्च है 3, तो इसे थोड़े मोटे मोटे टुकड़े में काट लेना है और अदरक को बहुत फाइनली चॉप करना है हम लोगों को, जितना बारीक आप कर सकें। अदरक है, लहसुन 10-12 कलियां हैं और एक मीडियम साइज़ का प्याज है, तो इनको हम लोग अच्छे से चॉप कर लेंगे। आप मेथी कैसे बनाते हैं ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आपकी रेसिपी भी हम लोग ट्राई करेंगे। हमारे घर में इस तरह से बनती है और भी इसके बहुत तरीके हैं, तो डाइवर्सिटी इतनी है हमारे इंडिया में कि अगर आपके घर में किसी और विधि से बन रही है, मेरे घर में किसी और विधि से बन रही है, और खान पान रहन सहन सारी चीज़ ना थोड़े थोड़े किलोमीटर्स पे बदलती रहती है। तो आप कैसे बनाते हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा, हम लोग बनाएंगे और उसे भी एंजॉय करेंगे। अब वो सारी चीज़ें हमारी कट गई हैं, अब टमाटर हम एक चॉप कर ले रहे हैं। ये देखिए टमाटर भी हमने एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप कर लिया है। अब चलते हैं इसे आगे के प्रोसेस में बनाने को कैसे बनाते हैं। अब देखिए उसी कढ़ाई में तेल तो था ही, थोड़ा सा और तेल डालेंगे ताकि हमारी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो जाएं। और इसमें हम लोग मेथी के दाने डालेंगे, इसमें और कुछ भी नहीं डालेंगे, या जीरा या सरसों ऐसा कुछ नहीं डालेंगे, सिर्फ मेथी है और हींग है, इससे हमारी ये रेसिपी बनने जा रही है। अब इसमें चॉप किए हुए हम लोग काट डाल दे रहे हैं अदरक और लहसुन और इसे गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। फ्राई होने के बाद अब हम इसमें अपने मिर्च और अनियन डाल देंगे, प्याज जो हमने काटे थे वो डाल देंगे और साथ में मिर्चें भी डाल दी हैं, इसे भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो इस समय फ्लेम होगा लो और मीडियम के बीच में आप रखिए, बहुत कम भी नहीं रखेंगे और हाई तो बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, नहीं तो प्याज हमारे जल जाएंगे और पकेंगे नहीं। तो इसी फ्लेम पे हम लोगों को इसे धीरे धीरे कुक कर लेना है। अब जब प्याज इस तरह से गोल्डन थोड़े हो गए हैं तो अब हम इसमें टमाटर अपने चॉप किए हुए डाल दे रहे हैं और इसे ढक के हम लोग कुक कर लेंगे ताकि ये टमाटर हम जल्दी से कुक हो जाएं। और ये देखिए बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है, बहुत ही अच्छी रेसिपी बनती है, हेल्दी तो है ही साथ में टेस्टी बहुत है। इसे आप रोटी के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, अमेजिंग टेस्ट होता है। और अभी हम लोग इसमें डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च और लाल मिर्च का पाउडर, साथ में हल्दी और नमक। तो ये हमारा लास्ट टर्म होगा नमक डालने का, इसलिए थोड़ा सा डाला है हमने क्योंकि बैगन में भी डाला था और आलू में भी डाला था, तो उसी हिसाब से हम लोगों को यहाँ नमक डालना है और इसे भी अच्छे से हम लोगों को कुक कर लेना है। ये अच्छे से हो चुका है तो इसमें हम लोग अपने मेथी को मिला देंगे और मेथी को मिलाने के बाद इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे और ढक के अच्छे से भून लेना है। बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आता है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेथी नहीं खाते हैं अगर आपके बच्चे या फिर बड़ों में भी किसी को पसंद नहीं है, वो भी आपसे मांग मांग के खाएंगे, इनफैक्ट आपको बोलेंगे कि रोज़ ही ये रेसिपी बना लो।
तो देखिए 5-7 मिनट के बाद हमारी मेथी और सब्ज़ी इस कंडीशन में है। इसे थोड़ी देर और भून लेंगे, थोड़ा क्रश करते हुए, मैश करते हुए इसे अच्छे से भून लेंगे। एक बार और कवर करते हैं इसे। ये देखिए, और 2-3 मिनट के बाद हमने कवर हटाया है और ये बहुत ही शानदार हमारी भुजिया सब्ज़ी रेसिपी या व्यंजन आप जो भी बोलें ये बनके तैयार है। अभी इसमें बस हमें आलू और अपने बैंगन को मिक्स करना है और इट्स डन। तो कोशिश कीजिएगा, बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है। और चैनल को फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी एंजॉय कर सकें इस रेसिपी को। स्टे हेल्दी एंड हैप्पी गाइस, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बाय।